अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फरीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद सिलाई मशीन डीलर। जैसा कि आपको मालूम है, सिलाई मशीन के हवाले से इनका इस्तेमाल का तरीका और इनके फॉल्ट के मुतल्लिक हम लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो हमारे एक व्यूवर्स की डिमांड थी कमेंट्स बॉक्स में के अंदर कि उन्होंने कहा था कि ये सिंगर 7900 के ऊपर आप हमें कांच बनाना सिखाएं। तो इसका कांच बनाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका फुट भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इस हवाले से हम आज की वीडियो बनाएंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि इस मशीन के ऊपर कांच कैसे बनाते हैं। इसके अगर ट्यूटोरियल आप देखना चाहें तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए गए हैं, आपको ऊपर स्क्रीन पर भी कोशिश है दिखा दें। तो मुकम्मल यूज़र गाइड इस मॉडल के ऊपर बनी हुई है, आप उससे अगर यूज़र गाइड सीखना चाहें, चलाने का तरीका सीखना चाहें तो आप हमारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। दीगर इस मॉडल के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं जिस पे इसका सर्विस के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फॉल्ट के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, वो भी आप इस हवाले से वीडियोस देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने इसको जो भी आप जापानी मशीन आपके पास है तो उस पर आप सबसे पहले उसके साथ अडाप्टर कन्वर्टर लगाना कभी भी ना भूलें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर वीडियो आप अभी तक आपने लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर लें, एक लाइक आपका बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंचाने का ज़रिया बनती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे पास एक काज फुट है आम सिंपल इस तरह का, और अगर आपके पास नहीं है तो हमारे से ये भी आप एक्सेसरी पे मंगवा सकते हैं। इसको हमने सिंपल अटैच करना है इस पिन के साथ और इसको शुरू में ले कर आना इस तरह से। कोई भी आपने जिस काज बनाना है, जैसा कि मेरे पास ये कपड़ा है इस पे मैंने पेपर वगैरह लगाया हुआ है, तो इसको हम ये फुट को पूरा एंड तक यहाँ तक आगे ले आएंगे। और अब हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है इस मशीन के ऊपर। ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कांच की ऑप्शन दी गई है और क्लोज करके भी आपको दिखा देते हैं। ये इस पे लिखा हुआ है 16, ऊपर 18 है और 17 है। इसका मतलब ये है कि हमने पहले ये वाली लाइन कम्प्लीट करनी है, 16 पे हमने जाना है, यहाँ से 16 पे हम जाएंगे और जितने साइज़ का आपने काज बनाना है यहाँ पे लाइनें दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके आप अगर मिसाल के तौर पे यहाँ तक बनाना चाह रहे हैं, यहाँ तक जब आपकी मशीन आएगी आपने उसको स्टॉप कर देना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे इस बाकी जो मॉडल है उसके तो ऊपर सेंसर लगे होते हैं तो सेंसर को आपने डाउन करना होता, इसमें सेंसर नहीं दिया गया तो सेंसर के बगैर ये मॉडल है। इस तरीके से जब आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाए, यहाँ तक हमारी ये लाइन आ चुकी है, अब आगे बढ़ेंगे हम डायल को लेके जाएंगे 17 पर। यहाँ से फुट को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और यहाँ पे हमने जब 17 सेलेक्ट कर लिया है तो मशीन को फिर दोबारा से चलाएंगे। जब हमारी मशीन कंप्लीट एंड तक चली जाएगी, आपको दिखा भी देते हैं, तो आपने मशीन को स्टॉप कर देना है, उसके बाद आपने जाना है 18 पर। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी समझने की चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं होंगी। जैसे ही वो कंप्लीट होगी हम आप इसका रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। इसके साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी बड़ा छोटा बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़बरदस्त काच ये कंप्लीट इसने किया है, आप इसको देख भी सकते हैं। रिज़ल्ट के हवाले से बेहतरीन, ऐसा नहीं है कि बाज़ार से आप कहें कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। इस तरह का स्टिच ओपनर काज कटर बाज़ार से इजी मिल जाता है, आप किसी भी नलकी बटन की शॉप से आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगले सिरे को एंटर करना है इस तरह कपड़े के अंदर और इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं इसके काज को हमने बनाया इस तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं और मज़ीद भी मिलेंगी जो कि पहले आपको कभी भी किसी ने ना दिखाई होंगी ना बताई होंगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।